हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना सुबोध सर और मैं लाया हूं आपके लिए नई वीडियो जो कि है पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलिए शुरू करते हैं इसके पहले टॉपिक से जो कि है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो सबसे पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं। इट रेफर्स टू एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड। इट मे बी इन द फॉलोइंग केसेस: चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेकेंड एडमिशन ऑफ पार्टनर, थर्ड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, फोर्थ डेथ ऑफ पार्टनर एंड अमलगामेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फॉर्म। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ जो कि आपके सिलेबस में है, जिसकी फर्स्ट चैप्टर की भी हम बात करने वाले हैं, ये सारे के सारे पार्टनरशिप में चैप्टर के नाम से दिए गए हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, यही चैप्टर है हमारा। और सेकेंड, इसके बाद जो हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा एडमिशन ऑफ पार्टनर का, और नेक्स्ट जो हमारा होगा चैप्टर वो होगा रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर का, जो कि चैप्टर नंबर 4 होगा। सबसे पहले गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग शेयर से। सो गेनिंग रेशियो के लिए हम जो फॉर्मूला लगाते हैं वो लगाते हैं गेनिंग रेशियो इक्वल न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेनिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी पार्टनर जब कोई भी अमाउंट गेन करता है तो यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसका न्यू रेशियो ज्यादा होगा जबकि ओल्ड रेशियो कम होगा। तो इसीलिए गेन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गेनिंग रेशियो निकालने के लिए न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस कर देते हैं, और अगर हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करेंगे, क्योंकि जब भी कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है तो उसका जो न्यू शेयर होता है वो ओल्ड शेयर की कंपैरिजन में कम हो जाता है। अगले हम बात करते हैं गुडविल के बारे में। सो गुडविल होती क्या है, गुडविल मीन्स इट मीन्स द गुड्स नेम और रेपुटेशन अर्न बाय द फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर। मतलब जो फर्म का ओनर है और फर्म है जब अच्छे से हार्ड वर्किंग के साथ वर्क करती है, उसका ओनर ऑनेस्टी से वर्क करता है तो उसके कस्टमर और कंज्यूमर्स के नजरों में उसकी एक गुड इमेज बन जाती है जिसे हम गुडविल के नाम से जानते हैं। गुडविल, गुडविल टू टाइप्स की होती है, पहली गुडविल परचेज गुडविल और दूसरी गुडविल सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल वो गुडविल होती है जिसको अर्न करने के लिए हमें कैश में पेड करना पड़ता है, ये नॉर्मली तब खरीदी जाती है जब हम कोई भी बिजनेस परचेज करते हैं। सेकेंड, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज दैट टाइप ऑफ गुडविल विच इज सेल्फ जनरेटेड इन द फॉर्म एंड कैश इज नॉट पेड फॉर इट। अगर हम बात करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 की, जो कि इनटेंजिबल असेट्स के बारे में है, उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग केवल और केवल परचेज गुडविल ऐसी गुडविल होती है जो कि अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड की जा सकती है, जबकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। हमारा अगला टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जैसे ही हम बात करते हैं तो तीन तरीके से गुडविल को वैल्यूएट किया जाता है। सबसे पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को हम 3 मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। यहां पर एवरेज प्रॉफिट को भी हम फर्दर 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है सिंपल मेथड और दूसरा है वेटेड एवरेज मेथड। अब हम जो बात करने वाले हैं वो सबसे पहले इस मेथड की करने वाले हैं जो कि है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहां पर आप देख सकते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की जैसे ही हम बात करते हैं तो यहां पर गुडविल निकालने के लिए 2 फार्मूला यूज किए जाते हैं, जिसमें पहला फार्मूला है एवरेज प्रॉफिट निकालने का। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्वेश्चन में हमें जितने भी ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है उसको हम एड कर लेते हैं ताकि हमें टोटल ऑफ प्रॉफिट पता चल जाए, और इसके बाद जितने ईयर्स के लिए हमें प्रॉफिट दिया गया है उतने ही नंबर ऑफ ईयर्स से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमें यहां पर एवरेज प्रॉफिट पता चल जाता है। एवरेज प्रॉफिट निकालते समय यहां पर समझने वाली बात यह है कि जो भी हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं अगर उसमें कुछ लॉस दिया हुआ है तो हम उसको माइनस कर देंगे, और अगर कोई भी एडजस्टमेंट अभी प्रॉफिट में बाकी है तो उसको एडजस्टमेंट करने के बाद ही टोटल प्रॉफिट को यहां पर लिया जाएगा, और इसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया जाएगा। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद दूसरा फार्मूला लगाते हैं जिससे कि गुडविल निकल कर आती है, जिसमें फार्मूला होता है गुडविल इक्वल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड। मतलब एवरेज प्रॉफिट जो हमने यहां से निकाला इसके बाद जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स क्वेश्चन में गिवन होते हैं कि नंबर ऑफ ईयर परचेस के लिए गुडविल कैलकुलेट करनी है,
उससे मल्टीप्लाई करके यहां पर गुडविल का अमाउंट फाइंड आउट कर लिया जाता है। अब हम बात करते हैं मेथड नंबर फर्स्ट के ही वेटेज एवरेज प्रॉफिट के बारे में। तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट को समझने के लिए यहां पर इस टेबल टाइप से मैंने इसको ड्रॉ किया है, आप इससे समझ सकते हैं। सबसे पहले हमें जितने भी ईयर के क्वेश्चन में प्रॉफिट्स दिए हुए हैं वो प्रॉफिट्स यहां पर नोट कर लेंगे, और उसके बाद जितने भी उनके नंबर ऑफ वेटेड दिए हुए हैं उन वेटेड को भी यहां पर नोट कर लिया जाएगा। यहां पर समझने वाली बात यह है कि जब हम ये मेथड अप्लाई करेंगे, ये तभी मेथड अप्लाई किया जाएगा जब हमें क्वेश्चन में वेट्स दिए हूं। इसके बाद हम प्रॉफिट और वेट की मल्टीप्लाई करके इनका प्रोडक्ट बना लेंगे, जो कि सभी ईयर्स में हम सेपरेटली ऐसे ही करते जाएंगे। और इसके बाद जब इन सभी का प्रोडक्ट निकल आएगा तो सम ऑफ प्रोडक्ट यहां पर कैलकुलेट कर लिया जाएगा, और यहां से इन सबको ऐड करके सम ऑफ वेट कर लिया जाएगा। और सम ऑफ वेट्स करने के बाद फार्मूला अप्लाई किया जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल सम ऑफ प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ वेट्स। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट पता चल जाएगा, जिसके बाद हम गुडविल निकालेंगे तो गुडविल में फॉर्मूला लगेगा गुडविल इक्वल वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड। इस मेथड से हम इस तरीके से गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा सेकंड मेथड है गुडविल के वैल्यूएशन का सुपर प्रॉफिट मेथड। और सुपर प्रॉफिट मेथड में बात करने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है। तो सुपर प्रॉफिट की बात करें तो सुपर प्रॉफिट होता है इट इज द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब जो हमारी फर्म ने हमारे ही जैसी फर्म जो नॉर्मली बिजनेस कर रही है उनसे जितना ज्यादा एक्सेस प्रॉफिट अर्न किया है विद द सेम कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को निकालने के लिए यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट को भी समझना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए जैसा कि अभी हमने बात की, इट इज द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द सिमिलर इंडस्ट्रीज। हमारे ही जैसी जो इंडस्ट्रीज हैं, हमारे ही जितनी कैपिटल जिन्होंने लगाई हुई है उन्होंने कितना प्रॉफिट अर्न किया है और हमने जितना प्रॉफिट अर्न किया है, इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस होता है वो होता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का जो फार्मूला हम लगाते हैं वो यहां पर लगाते हैं सुपर प्रॉफिट इक्वल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के लिए हमें फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाना होता है जिसमें नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। इन दोनों ही फॉर्मूलाज को अप्लाई करने के बाद हम नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं, और इसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं गुडविल का, गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड। यहां पर समझने वाली बात यह भी है कि जब हमारा एवरेज प्रॉफिट ज्यादा होता है और नॉर्मल प्रॉफिट कम होता है तब यह बनता है सुपर प्रॉफिट। अगर किसी कंडीशन में, जो कि बहुत ही रेयरेस्ट होता है, अगर नॉर्मल प्रॉफिट ज्यादा हो जाए और एवरेज प्रॉफिट कम हो तो ऐसी कंडीशन में निगेटिव सुपर प्रॉफिट आएगा, एंड निगेटिव सुपर प्रॉफिट इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ गुडविल वुड बी जीरो। थर्ड वैल्यूएशन का टॉपिक है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में जैसे हम बात करते हैं तो ये भी इसमें हो जाता है टू टाइप से। तो टू टाइप में पहला आता है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो जब भी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की बात करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले निकालना पड़ता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट या कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहां से डिवाइड कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या है। इसके बाद सेकेंड फॉर्मूला हम लगाते हैं गुडविल निकालने के लिए, जो कि होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये दोनों ही फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ते हैं जब हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की। इसका अगला टॉपिक आता है इसी में सेकेंड, जो इसी का पार्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें जब हम बात करते हैं तो इसमें एक ही फार्मूला लगाया जाता है और वो होता है गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये थे थ्री आपके मेथड जो कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के थे, जिनके थ्रू हम गुडविल को वैल्यूएशन करते हैं। अब बात करते हैं गुडविल के ट्रीटमेंट की। तो जैसे ही हमने गुडविल के ट्रीटमेंट की बात की तो पहले की तरह जैसे हमने बताया था आपको कि गुडविल दो तरीके की होती है, एक होती है परचेज गुडविल, दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल जो होती है वो अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड की जा सकती है और इसीलिए हम उसके लिए जर्नल एंट्री पास कर देते हैं, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की जा सकती, इसीलिए उसके लिए हम गुडविल से नाम से ना दिखा करके सीधे सीधे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर देते हैं जिससे कि गुडविल एडजस्ट हो जाए। देखिए परचेज गुडविल की अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो एंट्री की जाती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। जो भी गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स होती है उसे हम राइट ऑफ कर देते हैं, क्योंकि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26
जो परचेज गुडविल है उसको भी हमें राइट ऑफ करके खत्म कर देना होता है, जैसे ही रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की बात करते हैं। अब परचेज गुडविल को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये बैलेंस शीट के अंदर होती है या तो अपीयरिंग इन द बुक्स के नाम से बताई जाती है क्वेश्चन में। अब बात करते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल, अगर गुडविल के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है या ये नहीं बताया गया है कि वो अपीयरिंग इन द बुक्स है या गुडविल बैलेंस शीट के अगर अंदर नहीं दी गई है, तो वो हर कंडीशन में सेल्फ जनरेटेड गुडविल मानी जाती है। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कंडीशन में इसका ट्रीटमेंट इस तरीके से किया जाता है, थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओनली, जिसमें किया जाता है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझने वाली बात कि परचेज जो गुडविल होती है उसका ट्रीटमेंट जब हम करते हैं तो वो करते हैं ओल्ड रेशियो में, जबकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल का जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो किया जाता है गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो में।